मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार जमानत मिल ही गई। 177 दिन बाद केजरीवाल जेल से छूटकर बाहर आ गए, लेकिन केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ये जमानत शर्तों के साथ मिली है। केजरीवाल सीएम तो रहेंगे, लेकिन किसी सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे और ना ही विदेश जा सकते हैं। जमानत पर आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है, तो वहीं विपक्ष से न्याय की जीत बता रहा है, लेकिन बीजेपी तंज कस रही है। एक सौ सतहत्तर दिन बाद केजरीवाल को जमानत। सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को बेल। जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। यह आम आदमी पार्टी के लिए जश्न की घड़ी है। ये आम आदमी पार्टी के लिए उत्साह और नई ऊर्जा से सराबोर होने की घड़ी है। क्योंकि करीब छह महीने के इंतजार के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आखिरकार बेल मिल चुकी है। यही वजह है कि पूरी दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेताओं में जोश की लहर दौड़ गई है। पार्टी का हर नेता एक दूसरे को बधाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट से मिली केजरीवाल को यह राहत पार्टी के लिए कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आम आदमी पार्टी के हर चेहरे पर मौजूद खुशी को देखकर समझा जा सकता है। सीबीआई के केस में बेल का यह फैसला जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां ने सुनाया है। उन्हें 10 लाख के निजी मुचलके पर यह जमानत दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ नियम और शर्तें भी रखी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि जब भी बुलाया जाए कोर्ट में उपस्थित होना होगा। सीबीआई के केस में केजरीवाल कोई कमेंट नहीं करेंगे। केजरीवाल सीएम पद पर बने रह सकते हैं, केजरीवाल विदेश नहीं जा सकते। पासपोर्ट को कोर्ट में जमा कराना होगा। इसके अलावा एक शर्त ये भी है कि अरविंद केजरीवाल सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। यही वजह है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर तंज कस रही है। उसका भी आदर करना है, लेकिन ये जो पिंजरे का तोता कहा है, वो पिंजरे का तोता बनाया भ्रष्टाचारी कांग्रेस ने था कोलगेट स्कैम में, और सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं, सहसम्मान कहता हूं, आज बाज बन चुका है, भ्रष्टाचारियों को नोच रहा है, काट रहा है, और इसीलिए भ्रष्टाचारियों को दर्द। बीजेपी जहां केजरीवाल की जमानत पर हमलावर है, तो वहीं समाजवादी पार्टी से लेकर आरजेडी तक अरविंद केजरीवाल की जमानत का तहे दिल से स्वागत कर रही है। जाहिर है हरियाणा चुनावों से ठीक पहले सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली ये जमानत पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। और अखिलेश यादव के एक बयान पर जंग छिड़ी हुई है। उन्होंने मठों की तुलना माफिया से कर दी है। अखिलेश के बयान पर साधु संत बेहद नाराज हैं। उन पर सनातन के अपमान के आरोप भी लग रहे हैं और बीजेपी अब हमला बोल रही है। अखिलेश यादव से माफी की मांग भी की जा रही है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता।
कभी गोरखपुर पर बुलडोजर तो कभी मठ पर सवाल, अखिलेश की सियासत का विवादित काल है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, अखिलेश यादव ने न सिर्फ नए विवाद को जन्म दिया है बल्कि सनातन समाज पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि मठ पर बैठने वाले मठाधीश हिंदू धर्म में सर्वोच्च माने जाते हैं, जिनकी तुलना अखिलेश यादव ने माफिया से कर दी। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अब अखिलेश यादव के इसी बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का आरोप है अखिलेश यादव ने न सिर्फ सनातन धर्म का अपमान किया है बल्कि उन्होंने साधु संतों को भी नीचा दिखाने की कोशिश की है। इसके लिए अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। ये उनके बुद्धि का खोट है और कितनी अल्प ज्ञानता है कि वो पवित्र जो मठ हैं, जो हमारे सनातन धर्म और विभिन्न संप्रदायों का एक नेतृत्व करते रहे हैं और इस देश की संस्कृति को बचाए रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बीजेपी विरोध करते करते इंडी अलायंस के लोग हिंदू और सनातन विरोध कैसे करते हैं, उसका एक और परिचायक आज अखिलेश यादव जी ने दिया है, जब वो कहते हैं कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता। सोचिए, क्या किसी और धर्म के लिए बोला जा सकता है? और ये वही पार्टी है जिसने रामचरितमानस को बदनाम किया, ये वही पार्टी है जिसने हिंदू धर्म को धोखा बोला, ये वही पार्टी है जिसने गर्व मनाया कि हिंदू राम भक्तों पर उन्होंने गोलियां चलाई, और इनके साथी वो है जो सनातन समाप्त, सनातन को बीमारी, तिलक लगाने पर ऐतराज, जिस प्रकार से ये लोग राम मंदिर को गुलामी की निशानी बोलते हैं। अपराध में जाति देखने वाले और मठ के मठाधीश को माफिया बताने वाले अखिलेश अब संतों के भी निशाने पर हैं। आगरा में अखिलेश की तस्वीर के साथ कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, साथ ही कहा अखिलेश यादव ने सनातन का अपमान किया है। सनातन के धर्मगुरुओं का अपमान ठीक नहीं। अखिलेश को सनातनी से माफी मांगनी होगी। अखिलेश के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग हो रही है। यानी अखिलेश यादव अब अपने ही बयान में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि साधु संत समाजवादी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल चुके हैं। सनातनी हिंदुओं के धर्म गुरु जो मठाधीश होते हैं उनको माफिया कहा है अखिलेश यादव जी ने, ये बिल्कुल ही सनातन विरुद्ध इन्होंने वक्तव्य दिया है, इसकी घोर निंदा करते हैं और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सनातन विरोधी हैं, इनके सामने मौला मुल्ली टोपी लगा करके अगर पहुंच जाए तो इनके लिए वो सब कुछ है, उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे रावण का अंत हुआ वैसे ही उत्तर प्रदेश में कम से कम माफियाओं का अंत बहुत जल्द पूरी तरह से सुनिश्चित होगा, ऐसी हम ईश्वर से भी कामना करते हैं। और जिस प्रकार मठाधीश शब्द को अपमानित किया है उसका कहीं ना कहीं परिणाम भी अखिलेश यादव को भुगतना होगा। खैर, जिस तरह से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ संतों का आक्रोश है वो पार्टी के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मठाधीश को माफिया बताने का अंजाम आगामी उपचुनाव में भुगतना पड़ सकता है, जैसा कि बीजेपी और संत समाज की खुली चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। महू कांड के सभी आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस की पूछताछ में महू के शैतानों ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। और जिस हैवानियत के खेल का मास्टरमाइंड अनिल है, जिस दरिंदगी का चेहरा है मास्टरमाइंड रितेश, इन दोनों दरिंदों ने कबूल किया है कि इन्होंने महिला के साथ दरिंदगी की थी। जिस्म छलनी, रूह छलनी, दहला देगी वो रात, दहला देंगे 90 मिनट। रेपिस्ट को गोली मार दो या फिर गोली मार दो मुझे। जामगेट हैवानियत, सलाखों में शैतान, सौ पुलिस वाले महू में ऑपरेशन भेड़िया। कभी वो चीखती है तो कभी वो दर्द में कराहती है,
जिसने पुलिस वालों को कहा उन रेपिस्ट को गोली मार दो या फिर मुझे। ये वो चित्कार है, ये वो दर्द है जो किसी को भी अंदर तक छलनी कर दे। महू के जाम गेट में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात दरिंदों की बुरी नजर का शिकार बनी ट्रेनी आर्मी ऑफिसर की महिला मित्र। दोनों ट्रेनी आर्मी ऑफिसर इंदौर के खूबसूरत पिकनिक स्पॉट जाम गेट पर आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था एक रात उन्हें ऐसा सदमा देगी। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात दरिंदे अनिल की नजर ट्रेनी आर्मी ऑफिसर और उनकी महिला मित्र पर पड़ी। ये वहीं पास के जंगलों में छुपे हुए थे, तो इनको काफी सघन सर्चिंग के बाद जो है काफी सारी पुलिस की टीमें दबिश दे रही थी, उसके उपरांत इनको पकड़ा है और इनका घटना में पूरा रोल रहा है और ये वहाँ पे मौजूद थे जब ये लूट की वारदात और आगे के घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था। कई घंटों से पुलिस की 8 टीम सर्च ऑपरेशन चला रही थी इन दरिंदों को दबोचने के लिए। पहले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, फिर एक और आरोपी, उसके बाद शुक्रवार को 3 और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जिस हैवानियत के खेल का मास्टरमाइंड अनिल है, जिस दरिंदगी का चेहरा है मास्टरमाइंड रितेश, इन दोनों दरिंदों ने कबूल किया दोनों ने महिला के साथ दरिंदगी की थी। मुख्य रूप से तो इस घटना के जो मास्टरमाइंड है वो अनिल और रितेश नाम के व्यक्ति हैं। उसके अलावा जितने भी ये 4 अन्य लोग जो हैं उनके सहयोगी थे, इन्होंने जो है मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। दरअसल मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात दोनों ट्रेनी आर्मी ऑफिसर अपनी महिला मित्र के साथ जामगेट घूमने गए। रात के करीब 2:30 बजे का वक्त था। गाड़ी की लाइट और म्यूजिक की आवाज सुनकर आरोपी अनिल की नजर पड़ी, जिसने अपने साथियों को बुला लिया। लूटपाट के इरादे से पिस्टल की नोक पर आरोपियों ने 10 लाख की डिमांड की। एक ट्रेनी आर्मी ऑफिसर और उनकी महिला मित्र को 10 लाख रुपए लाने के लिए छोड़ दिया गया। इधर बंधक बने ट्रेनी ऑफिसर और उनकी महिला मित्र दहशत में थे। लूटपाट ही नहीं, दरिंदों की बुरी नजर महिला पर पड़ी। उसके बाद जो हुआ वो थर्रा देता है। प्रथम दृष्टया पूछताछ में उन्होंने घटना के जो तथ्य सामने आए हैं और FIR है उसको उन्होंने स्वीकार किया है कि उस घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। अनिल और रितेश का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। दरिंदे अनिल पर 5 और रितेश पर कई मामले दर्ज हैं। क्या इन दरिंदों ने पहली बार किसी महिला को शिकार बनाया या फिर इनके काले कारनामों की फहरिस्त लंबी है, इसकी तफ्तीश जारी है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात करते हैं वक्फ की। दरअसल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर अब एक नई जंग छिड़ गई है। बिल के पक्ष और विपक्ष में एक नया अभियान भी शुरू हो चुका है। यह अभियान हाईटेक तरीके से शुरू किया गया है। दिल्ली से भोपाल तक QR कोड वाला अभियान चल रहा है। सबसे बड़ी बात, QR कोड मुस्लिम और हिंदू दोनों तरफ से जारी किया गया। क्या है पूरी खबर, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वक्फ पर भाईजान का हाईटेक तरीका। QR कोड से रुकेगा वक्फ बोर्ड बिल। वक्फ बहाना मुसलमानों को भड़काना। इसमें राय देना है क्योंकि हमारे समाज में भी ये चीज ज्यादा मालूम नहीं है, लोगों को पढ़े लिखे नहीं है, तो इसलिए हम लोग उनको बताने के लिए आए। ओवैसी चिश्ती वक्फ पर नई कुश्ती। वो नियम एक ही समाज के को बढ़ावा देते हैं, अन्य समाज को कहीं भी उसमें अपील करने की सुविधा नहीं दी गई है। दिल्ली से भोपाल वक्फ पर एक नई जंग छिड़ गई है। वक्फ बिल के विरोध में एक नया तरीका भाई जान ने अपनाया है। अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। जो हाल दिल्ली की गलियों में है वही हाल भोपाल की सड़कों पर। यहाँ भी मुस्लिम समाज के लोग वक्फ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं।
परदादा और दादा ने जो हम लोगों को जमीन जायदाद दी है वो छीनने के लिए आज सरकार की इतनी कानून बदल दिया गया है कि उनके खजाने खाली हो गए हैं, कि खजाने खाली होने के बाद हम लोगों की प्रॉपर्टी पे नजर रखी जा रही है कि उसको भी छीनने के लिए उनकी साजिश के नए कानून बनाए जा रहे हैं। AIMIM ने देश भर में विरोध शुरू कर दिया है। जबलपुर में भी AIMIM के पदाधिकारियों ने पार्षद के साथ मिलकर बार कोड अभियान चलाया। इस अभियान के तहत संगठन के पदाधिकारी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बार कोड के पोस्टर चिपका रहे हैं। आपकी जो प्रॉपर्टियों के लिए जो कानून लाया गया है काला कानून, इस काले कानून की हम मजम्मत करते हैं। इस काले कानून में जबकि बफ की जमीनात जो भी होती हैं वो किसी न किसी ने दान की हुई होती हैं, और दान की जमीन में सरकार उसमें काला कानून ला रही है, इसलिए हम उसकी मजम्मत करते हैं। हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग QR कोड के जरिए वक्फ पर अपने अपने सुझाव दे रहे हैं। उधर इस पर मध्य प्रदेश में सियासी तकरार शुरू हो चुकी है। ये मुस्लिम समाज के पुरखों की संपत्ति है जो दान दी गई थी, और उसको दान दी गई थी सोशल कॉज के लिए। अब ये वक्फ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो जो लोग चला रहे हैं उन्हीं के हिसाब से राय ली जाएगी ना, उसी वर्ग से उसी समाज से ली जाएगी कि इसका उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। अगर उसका दुरुपयोग हो रहा है तो अमेंडमेंट होना चाहिए, और नहीं हो रहा तो नहीं होना चाहिए। बीजेपी तो नफरत फैलाने का काम करती है, भ्रम फैलाने का काम करती है, हम सच्चाई बताने का काम करते हैं। और आरिफ मसूद हों या दूसरे लोग हों, ये सरकार वक्फ की संपत्ति का दुरुपयोग करके मिसयूज करते हैं और गुंडे मवालियों को पालते हैं। और हम चाहते हैं कि गरीब मुसलमान का भला हो, कोई परेशानी नहीं है, पढ़ाई एजुकेशन में आए, स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज खुले, किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कोई भी अगर मानकर चले कि वहां पर जिहादी लोग पनपें, ये तो अपराध हो जाएगा। वक्फ को लेकर मुस्लिम और हिंदू लोगों की अपनी राय है। हिंदू लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर बोर्ड लगाकर उसे अपना बता देता है। एक राष्ट्र है, एक कानून बने। जैसे एक राष्ट्र एक कानून रहेगा तो हमेशा समाज में सेकुलरिज्म की भावना रहेगी, समाज में समरसता की भावना रहेगी, डिवीजन समाज जो है दो सोसाइटी में डिवाइड एंड रूल के से बचेगा, डिवाइडेशन नहीं होगा। तो फिलहाल वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर QR कोड वर्सेस QR कोड की लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ हिंदू, दूसरी तरफ मुस्लिम, दोनों ही समुदाय के लोग अपने सुझाव दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों का एकाधिकार जमाए या उन पर काम करे उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन जो दूसरे समुदाय के लोगों की संपत्तियां हैं, जो सरकारी संपत्तियां हैं, जो या खाली जमीनें हैं, उन पर बोर्ड लगाकर जिस तरीके से मनमानी की जाती है वो पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। और अब बात करेंगे देवभूमि हिमाचल की, जहां पर इन दिनों अवैध निर्माण पर दंगल चल रहा है। दो दिन पहले शिमला और आज मंडी में एक मस्जिद को अवैध बताकर उसे हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। उधर प्रदर्शन को लेकर मंडी में धारा 163 भी लगा दी गई, लेकिन बावजूद इसके लोग सड़क पर निकले। तो वहीं नगर निगम ने 30 दिन के अंदर मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश भी दे दिया है, जबकि स्थानीय लोग मस्जिद को ही अवैध बता रहे हैं। देवभूमि में अवैध निर्माण पर दंगल, पहले शिमला अब मंडी में ठनी, सड़कों पर संग्राम, अवैध मस्जिद पर घमासान, तकरार गुस्से पर पानी की बौछार, ये धर्म युद्ध है। मंडी के स्थानीय लोगों का यह गुस्सा जो सड़क पर उतर आया। मंडी के लोगों ने मस्जिद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह करीब 11 बजे हजारों की तादाद में स्थानीय लोग एकजुट हुए और मस्जिद की तरफ कूच कर गए। पुलिस ने अपनी तैयारी कर रखी थी, बीच में ही पुलिस ने उनका रास्ता रोका। लोगों को पीछे ढकेलने के लिए पानी की तेज बौछारें छोड़ी गई, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज से परहेज किया। भीड़ को मस्जिद की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए 10 फीट से ऊंची बैरिकेडिंग की गई थी। उस चीज़ को देखते हुए पुलिस ने पर्याप्त अरेंजमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे किए हैं। हमारा मेन एम है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, किसी भी तरह की कोई वायलेशन नहीं होने देनी है। इफ समबडी इज कमिंग, किसी का कोई पॉइंट है, किसी की आके बताना चाहते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट लॉ एंड ऑर्डर हैज़ टू बी। पुलिस ने जब लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया तो वहां पर लोग सड़क पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोग नो वक्फ इन देवभूमि का पोस्टर भी लहरा रहे थे।
इस पोस्टर के साथ स्थानीय लोगों का मैसेज ये था कि देवभूमि हिमाचल में वक्फ बोर्ड की ना कोई जगह है और ना ही कोई जरूरत। इस दौरान स्थानीय लोगों ने वक्फ और मस्जिद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दो दिन पहले यानी बुधवार को शिमला की संजौली मस्जिद के खिलाफ स्थानीय लोगों ने इसी तरह का प्रदर्शन किया था। उस दिन भी पुलिस ने स्थानीय लोगों को आगे बढ़ने से रोका था। जब लोग बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े तब उन पर उसी तरह पानी की बौछारें मारी गई जैसे आज मंडी में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। शिमला में पुलिस ने उस दिन स्थानीय लोगों पर लाठियां भी भांजी थी। धक्का मुक्की तक हुई थी लेकिन आज पुलिस ने स्थानीय लोगों पर लाठी चार्ज से परहेज किया क्योंकि 11 सितंबर को हुए लाठी चार्ज पर स्थानीय लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा नजर आया। दो जगह पर हुए दमदार प्रदर्शन को लेकर सुक्खू सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी, मसलन विधानसभा अध्यक्ष संयुक्त समिति का गठन करें, पूरे प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बनाई जाए, संजौली मस्जिद विवाद का जल्द निपटारा किया जाए, कहीं भी कोई अवैध निर्माण होगा, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किसी भी समुदाय के लोगों ने किया होगा, हमारी सरकार कानून के तहत हर प्रक्रिया को करने के लिए तैयार है। उधर मस्जिद में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन के ऐलान के बीच मंडी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद से ही मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया। मुस्लिम समाज के बयान के मुताबिक किसी के दबाव में अवैध निर्माण नहीं तोड़ा जा रहा बल्कि प्रशासन के आदेशों का पालन किया गया और आपसी सौहार्द और भाईचारा बना रहे इसीलिए अवैध निर्माण को गिराया गया। इससे पहले प्रशासन ने 30 दिन के अंदर अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और उधर रायबरेली के लालगंज में सैलून चलाने वाले मिथुन फिर चर्चा में हैं। उन्हें राहुल गांधी ने सैलून में काम आने वाला कीमती सामान भेजा है। ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं है। उस वक्त देश में लोकसभा चुनाव चल रहे थे। कांग्रेस ने राहुल गांधी को पहली बार रायबरेली सीट से उम्मीदवार बनाया था। चुनाव प्रचार के दौरान वो रायबरेली के लालगंज पहुंचे थे जहां उन्होंने सैलून चलाने वाले मिथुन से दाढ़ी बनवाई थी। उस दौरान राहुल ने मिथुन से काफी बातचीत भी की थी। मिथुन का कहना है कि वो दिन उसके लिए बेहद ही यादगार था। लेकिन अब 4 महीने बाद मिथुन फिर से चर्चा में आ गया है और इसकी वजह इस बार भी राहुल गांधी ही हैं। राहुल ने उसके लिए खास तोहफा भेजा है। उन्होंने सैलून में काम आने वाला सामान गिफ्ट किया है। भेजे गए सामान में 2 हेयर कटिंग चेयर, 1 शैम्पू हेयर वॉश चेयर और 1 इन्वर्टर बैटरी शामिल है जिससे सैलून चलाने वाले की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मिथुन के मुताबिक जब से राहुल गांधी उनके दुकान में आए हैं तब से उनका बिजनेस बढ़िया चलने लगा है। अभी तो बैठे हुए नहीं तब तक चले जाते घर पे और हमारा धंधा भी बहुत अच्छा चलने लगा। राहुल सर जी की वजह से आज हमारा 3 गुना धंधा बढ़ गया है। अच्छा राहुल जी, जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो आप ही के यहाँ से हेयर कटिंग करवाने के बाद अगली जनसभाओं को गए हुए थे। जी जी जी। तो कितनी मन में खुशी थी? अरे सर जी, हमें बहुत खुशी थी और हमने कभी भी सोचा भी नहीं था कि इतनी छोटी सी दुकान में सर जी आएंगे। आ गए थे वो, उसके बाद तो हमें सपना लगा था लेकिन हकीकत था और राहुल सर आए थे, हमें बहुत खुशी हुई थी। 13 मई को राहुल गांधी लालगंज के एक इंटर कॉलेज में चुनावी सभा करके लौट रहे थे। इसी दौरान उनका काफिला हेयर कटिंग सैलून के पास रुका। इसके बाद राहुल ने सैलून में जाकर शेविंग करवाई। राहुल रायबरेली के सांसद भी हैं, ऐसे में अपने सांसद से तोहफा पाकर मिथुन गदगद है। रायबरेली से न्यूज 18 के लिए मोहन कृष्ण की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। और बने रहिए न्यूज 18 के साथ।